हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा यार 61 डे जेंगो प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने 60 डे तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज है हमारा 61 डे जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग गिट के अंदर गिट लॉग के कमांड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गिट लॉग ने हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी इस पर बात करा था। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपना जो गिट ट्यूटोरियल मैं सिंपली वहाँ इसको ओपन करूँगा। तो मैं सो मोशन के गिट बैस एयर यहाँ पे अपना गिट बैस जो है उसको ओपन करूँगा और फिर यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा गिट स्टेटस। तब देख सकते हो यहाँ पे गिट स्टेटस में बोल रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर रसीद टू कमिट। तो गिट लॉग जो होता था वो गिट लॉग जो होता था वो बेसिकली मुझे वो दिखाता था कि मैंने कौन कौन से कमिट बेसिकली कर रखे हैं। तो तभी मैंने 1 2 3 4 5 कमिट जो मैंने देख कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे गिट लॉग करके आप यहाँ पे जैसे क्यू दबाओगे तो ये आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इससे बाहर चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आप जैसे गिट लॉग करके ये देखते थे, जैसे आप -P लगा के आप जैसे इंटर करोगे तो क्या होगा कि ये आपको बेसिकली डिफ के साथ बताएगा कि आपने कौन से गिट में कौन कौन से चेंजेस करा था। जैसे कि मैंने जो ये पहला कमिट लगाया था इस पे मैंने क्या चेंजेस करे वो बेसिकली मुझे ये बता रहा है। मतलब कि गिट लॉग को ऐसे भी हम लोग यूज कर पाए ताकि हम लोग गिट डिफ के कमांड को भी यूज कर पाए। ठीक है, ये बेसिकली क्या चेंजेस है, क्या मैंने इसमें न्यू लाइन एड करा क्या नहीं करा वो सब बेसिकली ये बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली था गिट लॉग -P। आप यहाँ पे क्यू करोगे, आप यहाँ से बाहर आ गए, आप लिखोगे गिट लॉग -P एंड इसके बाद आप माइनस करके 2 लिख दोगे। तो इसका मतलब होता है कि मेरे को गिट लॉग तो करके दिखाओ बट उसमें क्या चेंजेस करके ये भी दिखाओ, लेकिन सिर्फ 2 दिखाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ करूँगा तो ये सिर्फ मेरे को क्या दिखाएगा, मेरे को सिर्फ 2 चेंजेस दिखाएगा। ठीक है, इसको आप बेसिकली क्यू करके बंद कर सकते हो। आप क्यू जैसे दबाओगे ये क्रॉस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट लॉग माइनस माइनस स्टैट। अगला कमांड जो है माइनस माइनस स्टैट। माइनस माइनस स्टैट क्या करेगा, ये बेसिकली आपको दिखाएगा एज अ शॉर्ट फॉर्म में। मतलब कि जैसे देख रहे हो मेरा पहला कमिट है जिसमें मैंने 3 चेंजेस करे, जिसमें दो दो ऐड करा एक माइनस करा है। वैसे ही दूसरा चेंज में मैंने एक ऐड करा है एक माइनस करा है, मतलब सिर्फ माइनस करा है। तो ये गिट इग्नोर में मैंने क्या करा, 3 चेंजेस करे, 2 प्लस करा एक माइनस करा है, और डेटा डॉट टीएक्सटी में एक चेंजेस करे जो कि कुछ मैंने उसमें डिलीटेशन करा है। देख सकते हो डिलीशन में 2 आ रहा है, चेंजेस मेरा 2 है, फाइल जो मेरा 3 है। मतलब ये डिफ क्या बताएगा, ये जो हमारा गिट लॉग अंडरस्कोर स्टेट है ये क्या बताएगा कि आपने कौन कौन से चेंजेस करे हैं इन अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, मैं क्यू दबाऊंगा और फिर मैं लिखूंगा गिट लॉग, जो अगला कमांड है वो है माइनस माइनस प्रिटी इज इक्वल टू वन लाइन। वन लाइन आप सिंपली इसको करोगे तो ये क्या होगा कि आपको सारा का सारा कमिट एक लाइन में दिखा देगा। ठीक है, वन लाइन का मतलब आपको सारा का सारा कमिट क्या करेगा, ये एक लाइन में दिखा देगा। तो ये बेसिकली हमारा कमांड था गिट लॉग माइनस माइनस प्रिटी इज इक्वल टू वन लाइन। इसके बाद अगला कमांड है गिट लॉग माइनस माइनस प्रिटी एंड उसके बाद इज इक्वल टू सॉर्ट। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो सॉर्ट, आप सिंपली एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एज अ सॉर्ट में दिखाएगा। मतलब कि आपको कमिट हैज दिखाएगा, ऑथर का नाम दिखाएगा और रिमूव मतलब जो उसका जो कमिट बेसिकली उसका जो मैसेज था वो दिखाएगा। आप क्यों दबाओगे, यहाँ से बाहर चला जाओ। फिर आप ऐसा लिख सकते हैं गिट लॉग माइनस माइनस प्रिटी एंड उसके बाद इज इक्वल टू फुल। तो फुल में क्या दिखाएगा, फुल में आपको ऑथर दिखाएगा, कमिट दिखाएगा और कमिट का हैश एंड मैसेज दिखाएगा। अब ऑथर और कमिट में ये डिफरेंस है कि जो हमारा ऑथर होता है वो बेसिकली ऑथर का मतलब ये है कि जो किसने ये फाइल को बनाया है, इस फाइल को किसने जन्म दिया, इसका मतलब होता है ऑथर। और कमिट का मतलब होता है कि आप इसमें चेंजेस कौन करा है। ठीक है, ऑथर का मतलब वो फाइल को क्रिएट कौन करा है और कमिट का मतलब इसमें चेंजेस कौन करा है। मैं क्यू लगा के इसको फिर से बंद करूंगा और अगला जो कमांड है वो है गिट लॉग माइनस माइनस, मैं लिखूंगा गिट लॉग माइनस माइनस सिंस और मैं इसमें टाइम भी दे सकता हूँ सिंस और मैंने सकता इज इक्वल टू 3.0 डे। मैं सिंपली एंटर करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब 3 दिनों तक जितना भी कमिट हुआ है मेरे को दिखाओ। वैसे ही मैं क्यू दबा के इसको फिर से बंद करूंगा, लिखूंगा गिट लॉग माइनस माइनस सिंस इज इक्वल टू 2.0 वीक्स और मैं सिंपली एंटर करूंगा। तो ये 2 वीक तक जो जितने भी चेंजेस हुआ मुझे दिखा दे। वैसे मैं क्यू दबाऊंगा और मैं लिखूंगा गिट लॉग माइनस माइनस सिंस इज इक्वल टू 2.0 ईयर्स भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को दिखाएगा कि 2 साल तो बेसिकली कितने मैंने चेंजेस करें कितने कमिट करें। ठीक है, तो
तो ये बेसिकली है गिट के कुछ कमांड्स होते हैं। एक क्या बहुत बहुत ज्यादा गिट के कमांड्स होते हैं भाई, गिट लॉग के कमांड्स होते हैं, ठीक है। आप गिट लॉग के साथ फॉर्मेट कर सकते हो, आपको किस तरीके का ये देखना है आप लोग वो कर सकते हो। तो ये बेसिकली गिट्स के कमांड होते हैं जो कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग ऑनलाइन भी जाके इसको देख सकते हो। आप लोग सिंपली आना और देख सकते हो आगे गिट लॉग कमांड, सब सिंपली इसको एंटर करना, आप गिट का डॉक्यूमेंटेशन ही आपको मिल जाएगा। आप गिट के डॉक्यूमेंटेशन पे इसको पढ़ सकते हो कि गिट्स के कौन कौन से कमांड होते हैं। बाकी और भी जैसे गिट्स पे भी है ये चीज़ें, तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। और भी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये चीज़ आप भी देख सकते हो यार, फिर ये तो कमिट हिस्ट्री का देखने वाला है। तो यहाँ पे भी बेसिकली ये बताया गया कि जैसे गिट लॉग -p -2 का मतलब क्या होता है, उसके बाद गिट लॉग --stat का मतलब क्या होता है, उसके बाद गिट लॉग --pt इज इक्वल टू 1 लाइन का मतलब क्या होता है, फिर ये फॉर्मेट का है, आप ये फॉर्मेट भी देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। इसको मैं मतलब बताऊँगा, इससे अच्छा आप लोग पढ़ो यार, इसको पढ़ो और फिर बेसिकली गिट में गिट्स को यूज़ करो ज़्यादा ज़्यादा। और वैसे भी अगर आप गिट लॉग यूज़ करते हो तो ये सब कमांड आपको मुंह पे रहने वाला है, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसको ये जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करने में रहोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हम लोग का 100 डेज ऑफ कोड का, बेसिकली 100 डेज ऑफ जेंगो का यार जो कोर्स चल रहा है उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। फर्स्ट डे जो है वहाँ से देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारा 61 डे भी कंप्लीट होता है, मिलते हैं 62 डे में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।